तुलसीदास महाराज की जय। मंगला नाम चकरता रहो, वंदे माने विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहारा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समाप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रताप महाजगवंदन, हे प्रताप महाजगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, आइए हो गणपति जगवंदन, कालिए हो गणपति जगवंदन, कालिए हो गणपति जगवंदन, कालिए हो गणपति जगवंदन, कालिए हो गणपति जगवंदन। काम क्रोध लोभादि मदे प्रबल मोह के धारे, दिन महति दारुण दुखद माया रूपी नारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांतिप्रदं, ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रसेव्य मनीषं वेदान्त वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तीन महयति दारुण दुखद माया रूपी नारी, सियावर रामचंद्र की जय। सम्माननीय राम कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, मंच पर आसीन विद्वत चरण, आप सभी के चरणों में प्रज्ञा मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम समर्पित हैं, सादर अभिवादन। ये परम सौभाग्य हुआ कि आपके पवित्र प्रांगण में सत्सुर संगीतमय वातावरण में राम कथा कहने सुनने का परम सौभाग्य मिला। संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम छंदभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव का देह अत्यंत ही दुर्लभ है और इस दुर्लभ देह को पालने के बाद व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति हो जाए, भगवत कथा श्रवण पान करने का सद्भाग्य प्राप्त हो जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। आप सब सत्संग के निमित्त यहाँ पर बैठे हैं। सज्जनों, आइए रामचरितमानस के तृतीय सोपान की यात्रा आपको कराएं। आइए, बहुत ही पावन प्रसंग है, हम सब मानव जीवन के लिए परम आवश्यक। रामचरितमानस की गाथा मानव जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और परम श्रद्धेय संचालक महोदय ने हमें रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 43 पर चर्चा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। प्रस्तुत विषय में विभिन्न विकारों पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चर्चा करते हैं कि मानव जीवन को किस प्रकार गलत रास्ते की ओर ले जाता है। सांसारिक, व्यवहारिक, तात्विक, आध्यात्मिक जीवन से नीचे गिरा देता है। इसलिए इस प्रसंग का हमारे व्यवहारिक जीवन में परम आवश्यक है। जिस प्रसंग की यात्रा हम आपके बीच ले जा रहे हैं, आपके बीच रखने जा रहे हैं, निश्चित ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम सब मानवीय जीवन जीने के लिए रामचरितमानस एक ऐसा परम ग्रंथ है। सदाचार जीने के लिए, आध्यात्मिक तात्विक जीने के साथ साथ ही मानवीय जीवन में सदाचार जीना, सदाचार की जिंदगी में अच्छे मानव जीवन जीने के लिए रामचरितमानस की ये दोहा जो आपके बीच रखने जा रहा हूं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यह प्रसंग अरण्य कांड का है, तृतीय सोपान अरण्य कांड। और इसमें भगवान श्री राम जी वक्ता हैं और श्रोता है नारद जी जैसे संत। वक्ता कौन है, कहने वाले कौन है, भगवान है, भगवंत है। और श्रोता कौन है, तो संत है। कैसे संत, बोले नारद जी जैसे संत सुन रहे हैं और भगवान राम जी भगवंत है, वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं और संत नारद जी सुन रहे हैं। और कहते क्या है, नारद जी ने कहा, प्रभु नारद जी, हा भगवान राम ला जंगल में देखिस ना, जंगल में राम और लक्ष्मण दुए जन है जी। पंपा सरोवर के घटना है, पंपा सरोवर में तालाब में गिन और राम जी बड़ा वहां सुंदर जल ला, तालाब के जल ला लीस तो बड़ा ठंडा ठंडा निर्मल लागी सो करमन हा जल में अतेक निर्मल और शांत जल देखे राम जी के मन आनंद हो गए। लक्ष्मण ला कथे, लक्ष्मण ही करथो कि रीतिया जते इनका की। लक्ष्मण कथे, का होई भैया, चलना ठीक है। वही पंपा सरोवर के तीर में राम और लक्ष्मण दोनों जन हा कूस के आसन बिछा के बैठ गए। लक्ष्मण जी ओकर चरण सेवा करते, राम जी महाराज बड़ा प्रेम के साथ लक्ष्मण जी कथा सुनाइन। वही बेरम नारद जी आ गए। नारद जी काक से थी, नारद जी अपन मने मन सोचिन, देख तो भगवान लमे श्राप दे डरे हूं, देख भगवान मोला नारी खातिर में अतेक पन दुर्गति मोर होइस नारी खातिर में, तेकर सेती मोला ते ये नारी के दुख में मैं पीड़ित हो, दुखी हो, तेकर सेती तहु नारी के वियोग में परबे कही श्राप दे दीस। नारद जी के वो श्राप ला सिरोधार करके भगवान राम हा आज नारी के वियोग में, सीता के हरण होय में, नारी के वियोग में, पत्नी के वियोग में राम जी निकले हैं। और पंपा सरोवर के तीर में बड़ा प्रेम से और आनंद से राम जी महाराज मुस्कुरावत रहे। हुई वक्त पहुंच गए। नारद जी जाके कथे, कस महाराज तुमला बड़ दुख है थे महाराज। राम कथे, नारद मोला कोनो दुख नहीं होते जी, बढ़िया हो, अच्छा हो। नहीं महाराज, मोर से बड़ा जबर गलती हो गई जी, तुमला मैं शराब दे पड़े महाराज, तेकर से ती कैसन बने बने हो। राम कथे, बने बने तो हो जी, लेकिन तुमन मोला शराब दे महाराज, काबर देव, कैसे देव। कथे तो देख जी, राम कथे, कोनो पिताजी हा कोकर लइका हा कोनो गलत रत्तम रेंगा थे, छोटे लइका हा, तब माँ बाप के कर्तव्य मनते कि छोटे लइका सुधारे समझाए, उसने काम करे हो जी। ते मोर छोटे लइका नारद जी, और ते कनो गलत काम करबे तो थोड़े बन ही जी, एकर से ती गलत काम झन करे, दूसर टहन गलत रत्तम झन जाए कि तुल समझा रहे। और देख सुन की भगवान राम हा नारद जी ला कहा थे, का कथे, काम क्रोध लोभादि मदा प्रबल मोह के धारी, देख नारद ये काम काम और दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ और चौथा मद, ये चारों ठनहा बहुत खतरनाक मोह के धारे की अज्ञानता के प्रबल सेना ये मन चारों। कौन कौन सा, काम क्रोध लोभ और मद, ये चारों के चारों मोह के परिवार है, मोह के सेना है। काम का है जी, काम काम हा का है जिसे हम सोचतन नहीं, एक ठना कामना होते, कामना ये काम कर देते हो, का भगवान की पूजा कर लेते हो, का तीरथ व्रत कर लेते हो, का अगरबत्ती जला देते हो, का ऐसे मन कनो कामना करत है तो अच्छा कामना है वो, लेकिन कनो गलत कामना कर डरे। मान लो कामना तो गलत हो गई, देकर धन बड़ा बढ़िया है, चोरा लेते हो का, इधर सुंदर दिखा थे मार देते उनका, लड़ाई झगड़ा कर देते उनका। ऐसे यदि मान लो कामना होते तो गलत कामना हो। और एक ठन कोनी काम है व्यक्ति के हृदय में उठने वाला काम, काम का यदि कोनोला सुंदर स्त्री ला देख के पुरुष कनी काम से आसक्त हो जाए या कनो स्त्री सुंदर पुरुष ला देख के काम से आसक्त हो जाए तो ये कामना बड़ा खतरनाक है। दूसरा केहिन क्रोध, क्रोध घलो बड़ा खतरनाक है। काकरो पर जेकरे पर पाथा तेकरे पर गुस्सा जाथस, कोनोल मारेल धर लेथस, कोनोल गारी देल धर लेथस, ये क्रोध। और तीसरा है लोभ। लोभ कैसे कुछ भी चीज देखेला खा लेते हो का, कोनोल चीज देखे ये मोर धन दौलत ये मोर हो जाती इसका। जेल न देखे संसार में, खाए के पाए के रहे के पहने के ओढ़े के जब तक देखे तेमे पा जाते हो का। ऐसे कनो लोभ हो जाए। और मत, मत माने अहंकार कनो घमंड हो जाए कि मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं है, मोर से बड़े कोई विद्वान नहीं है, मोर से कनो गुणवान नहीं है, ये कनो मत हो जाए। तो ये चारों के चारों हा काम क्रोध लोभ और मद, ये चारों के चारों हा मोह के सेना है। मोह गोस्वामी जी किहिन मोह के बारे में किहिन की मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह जम्मो पीड़ा के बीमारी के खजाना है। मोह से निकलते काम क्रोध लोभ और मद, हम मोह से निकलते। मोह सकन व्याधिन कर मूला, जेकर जीवन में मोह आ जाही ओकर जीवन में ये चारों बीमारी अपने आप आ जाही। चार बीमारी का 60 विकार आ जाते। त नारद जी तोरो मन में मोह आगे जी, नारद तोला हो गए मोह। का मोह होगी जी? विश्व मोहनी स्वयंवर में ते गे राजा शैल निधि, हाँ ओकर बेटी देखे ओकर बेटी हाथ रेखा देखे और हाथ रेखा में देखे कि ओकर हाथ रेखा में लिखा रहा है एकर पति रही तेहा जगतपति रही और ते उल्टा पढ़े ढाल एकर सन शादी करही ते जगतपति होही। भाई गे वो सुंदर विश्व मोहनी कनियल देख के मोहा गे। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, वही मोह में पड़े। तोर मन में हो गए विश्व मोहनी सन बिहाव करूं और मोर जगह और आग के भगवान मोला हीरो बना दे, सुंदर चेहरा दे, तो तोला मोर भागतला संतला काबर माया मोहम पड़ाहू जी, एकर से दी तोल बेंद्रा मुंह दे देव जी। तौही ठौका गलती मोर सो के महाराज बेंद्रा मोहन पाए और मोर बिहाव नहीं होई छे। मोह में पड़े, मोह में तेकर सेती काम जाके, मोह में पड़े वो नारी कन्याल देख के वो सुंदर कन्याल देख के मोर में काम जागे। और काम जागीस ताहते मोला श्राप दे तो क्रोध जागे महाराज। और क्रोध जागीस तो फिर का पूछना है, तोला में श्राप दे पर क्रोध जागीता। आओ लोभ, लोभ का की होइस? वो कन्या सुंदर कन्या देखे तो लोभ है, पत्नी बनाए के सुंदर राज्य ले देखे ते राजपाट के लोभ आगे। तो ये ठन कनो मोह आगे। ये मोह सबसे खतरनाक है, ये मोह सबले बड़े बीमारी है। यदि मोह के बीमारी का करो में आ गए तो समझ जा काम आई क्रोध आई लोभ आई मद आई, एकर से सबले बड़े बचना है तो मोह से बचना है। लेकिन मोह से बचना बड़ा खतरनाक है। तीन माह अति दारुण दुखा माया रूपी नारी, भगवान राम कथे कि देखो जी नारद ये मोह आही तो ये सब बीमारी तो आ जाते, लेकिन इकरोल एक ठन बड़े खतरनाक बीमारी है का। तीन माह अति दारुण दुख है, एकर ले खतरनाक दुखद है का, बोले माया रूपी नारी। ये माया रूपी नारी है स्त्री है, ये तो बड़े खतरनाक है कि दिसी। अब जरा तुलसीदास जी महाराज काबर कही दिस, जबकि एक डहन कथे नारी तेरी साथ सुदृढ़ परिवार बनाती है, तू रत्न प्रविष्णी देवी दोवों को गोद खुलाती है। नारी देवी नारी दुर्गा नारी सृष्टि का श्रृंगार है, नारी धरती का श्रृंगार है। ये नारी से ही नर है, नारी ही संसार में, नारी से ही संसार के सृष्टि के निर्माण होए और नारी ही संसार ला आगे बढ़ाते। लेकिन तुलसी बाबा काबर कही दीस कि सबले बड़े दुखद हरे तो माया रूपी नारी है। त नारिल नी की हिस कौन ला की हिस? माया रूपी नारिल की हिस। नारी है तब तक तो ठीक है, लेकिन नारी में कोनो माया रूपी नारी आ जाए तब तो नारद जी जेल नारी देखे रहा है, नारद जी जेल लड़की देखे रहा है, शैल निधि राजा के बेटी देखे रहा है, ये सामान्य नारी थोड़े हरेगा। वो तो माया रूपी नारी रही से, माया रूपी भगवान माया के खेल रचे रही से तुरते शहर बना के नगर बसा के सुंदर स्त्री बना के सुंदर नारी बना के नारद के आगू में आ, नारद वही में फंस गए माया के मोह में चक्कर में। तो एकर से थी नारी मनहा तो नर के संग चल के दोनों चल के सृष्टि के निर्माण में सहायक होते, लेकिन नारी कनो माया में पड़ जाए तब, नारी माया रूपी हो जाए तब नारी खतरनाक है। आवो प्रसंग में पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। एक ठन भजन के आनंद लन। सियावर रामचंद्र की पावन लागे मनला भागे 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 संगी मो सिया राम के कहने कुआसन के बानी घलो सुनैया लनिक लागे ना पावन लागे मनला भागे 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 संगी बो पावन लागे मनला भागे 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 संगी बो सिया राम के कहने कुआसन के बानी घलो सुनैया लनिक लागे ना सिया राम के कहने कुआसन के बानी घलो सुनैया लनिक लागे ना पावन लागे मनला भागे 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 संगी बो पावन लागे मनला भागे 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 संगी बो को पाप कर के सिया राम के परताप में अहिल्या कस पत्थरा घलो मुक्ति पागे ताप ले अहिल्या कस पत्थरा घलो मुक्ति पागे ताप ले राम कथा के महिमा भारी सुन लो सखी नरनार राम कथा के महिमा भारी सुन लो सखी नरनार मड़िया कस पाग लागे रे मड़िया कस पाग लागे रे पावन लागे मनला भागे 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 संगी बो पावन लागे मनला भागे 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 संगी बो निजरी खोने मेरा तोरू जर जाहिर मेरा और निजरी खोने मेरा तोरू जर जाहिर मेरा जब मिले का ठिकाना माटी के काया के हैर का ठिकाना और है झोल के हैर का भरोसा थोड़ी जमी खोने मेरा तोरू चर जाहिर मेरा थोड़ी जमी खोने मेरा तोरू चर जाहिर मेरा जगने के भावे आला जाना का ठिकाना माटी के काया के हैर का ठिकाना और भई चोल के हैर का भरोसा कर्म के हल करने के पावे जीती जावे बेनती ये दुनिया है भैया कर्म के हल करने के पावे जीती जावे बेनती तेरे बबुरी के मुँह में आमते कहन पावे तेरे बबुरी के मुँह में आमते कहन पावे का ठिकाना माटी के काया के हैर का ठिकाना उर गए चोल के हैर का भरोसा कोनी जनी खोने मेरा तोरू जर जाहिर मेरा कोनी जनी खोने मेरा तोरू जर जाहिर मेरा जग मिल के भावे आना जाना ठिकाना माटी के कायल में, आयर का ठिकाना गुलशन चोला में, आयर का भरोसा माटी के कायल में, आयर का ठिकाना। नारद जी कथे भगवान तभोले कावरते हैं, इसने मना कर दे महाराज की। राम कथे देख जी नारद, तोर मन में काम जागे और काम जागी तो संत बड़ ठीक नो है। जिहा संत है तिहा काम के का जरूरत, जिहा राम तिहा काम नहीं। और जिनका राम है तेकर काम के का जरूरत है, संत साधु अस। और रात दिन भगवान के नारायण नारायण कहिया, तोर मन में काम जागे तो संत थोड़े जी। तो देखो ये काम बड़ा खतरनाक है, संत मन की काम के जरूरत है, काम के आवश्यकता है। कब तक काम की आवश्यकता है? जब तक सृष्टि के संचालन में काम की आवश्यकता है। लेकिन काम कनो अमर्यादित हो जाए तो फिर ये बहुत खतरनाक है। एकर सेती राम कथे देखो जी नारद जी, काम मर्यादित है, मर्यादा में है, तब तक काम की आवश्यकता है। और काम जिन दिन मर्यादित हो गए, कज्जी ते कोनो राजा के बेटी देख के तोर में कामना जाग जाए जी। संसार में संसार की दुनिया ला देख के, सुंदरता देख के कही जाए यहू मोरे चे, वहू मोरे चे, यहू मोरे चे। बस संसार में सब की चला मोर कहे, यहुल पा जाऊं, हुल पा जाऊं कहे, तो ये तो खतरनाक काम है की। और क्रोध, ये क्रोध तो बहुत खतरनाक है। क्रोध अगर रक्त में मिल जाएगा तुझे जला के राख कर देगा। ये क्रोध है तो घमासान मताने वाला क्रोध हरे, महाभारत लड़ाई कराने वाला, युद्ध कराने वाला क्रोध हरे। तो ये काम और क्रोध और लोभ और मद चारों बहुत खतरनाक है। भगवान राम कथे देखो जी नारद जी, ये काम तोला बचाए बर करें। और सुन की ये तो लेके बेर नहीं है, दूसरैया पारी आगे रही, एक बेर धोखा खाए रहते हैं। और एक दिन नारद घूमत फिरत मृत्युलोक में आईस, और देखिस बन गांव डोंगरी सुंदर नारद के मन भाईस। अरे लइका खेला खोर गली मा धर के गुल्ली डंडा, और छोटे लइका दाई के कोरा दूध पिए मन चंगा। और देखिस नर नारी बढ़िया रेंगे संगी जोहरिया, अवा माँ पेड़ माँ कोयली कुह के झनकत है अमरैया। भगवान विष्णु कथे नारद जी थोड़ी काम है, जा तुम मृत्युलोक में, गांव के मन काय काय करत देख के आते। नारद कथे हम तो सेवक तुम्हार पाँव के भजन में दिन बिताना है, बोलना प्रभु कहाँ जाना है? मृत्युलोक जा। और पता लगा मनखे मन बने बने हावेत नहीं, करताल तमुरल धर के नारद जी महाराज मृत्युलोक में घूमा थे, चारों डहन घूमत देखे थे। राम नवमी दिन रहा है, एक जन भाई के बिहार होता है, बारात ले लहुटात रहा है। नारद जी देख पर इस बरतिया मल्ला, और देखे दुल्हीन के डोला बोह के चले कहा। अव्वल बेला एक दुल्हा देखिस बैठे घोड़ा सवार। नारद पूछे बरतिया मल्ला, काले के तुम जात हो जी? और कैसन खुशी है तुमला भैया, काबर बाजा बजात हो जी? बरतिया मन कथे तोर साथ बर साधु बने हस का, दुनिया के रीति रिवाज परंपरा संस्कार नहीं जानत जी। नारद कथे नहीं जानो भैया, बताओ तो ये मन कोने? ये घोड़ा में बैठे थे कोने? बरतिया मन कथे दुल्हा राजा है, और ये डोली भीतरी है थे कोने? ये दुल्हनिया है, और ये चार पांच झल लड़की मन कोने जी? अरे ये मन लोग रही न जी, चौथिया काली आई, तोला का करना है? बरतिया मन चल दिन। नारद हुई कर करताल तमुरन मढ़ाक, सोचत हम रही में, वाह भगवान, दुनिया वाला मतलब बर बिहाव, मोटर गाड़ी, हाथी, घोड़ा, घर द्वार, राजमहल सब दे दे, और हमला कहाँ? यहाँ करताल तमुरल थमाक चिट्ठी पहुंची या पोस्टमैन बना दे। नारद सोचे इसने बिहाव मोर कोनो हो जातीस, और मैं दुल्हा बन जाते सुंदर मोर दुल्हीन गोठियातीस। अरे थक जथे हाथ तो गोड़ पांव, सेवा घलो हो जातीस, और बेरा कुबेरा कवई जोई में धुक धुक जीवन जीवातीस। और यही सोच मा नहीं बुड़ गए नारद, नहीं बाजीस करताल, और हाथ तमूरा ठेलहा भई गए नारद के बिगड़े चाल। नारद के मन जाने विष्णु बिगड़ गए मोर खबरिया, और भजन छोड़ बिहाव के चक्कर टेलीफोन करैया। विष्णु भगवान कथे हाथों माया चक्कर में पड़ गए, एकर बिगड़ना मोला है घाटा, एला में सोचियाओ। और देवता मन के पोस्ट में हिल्ला माया के हाल बताओ। विष्णु भगवान तुरते उतर के नारद जी अमराई बैठे, सवा दू हाथ करताल तमुरन मढ़ा देकर बैठे, मोरो बिहाव हो जाती भगवान, चट मंगनी पट बिहाव, कते डहन कन्या देखे जाओ। ऐसे नारद जी सोचा थे, विष्णु भगवान पाछू माँ खड़े हो गए, आगे कहते नारद का सोचा था। नारद लहुट के देखे विष्णु भगवान खड़े है, ए दादा नहीं बतावा, एक वक्त कहना बताए रहे भैया, बेंद्रा मुंह दे भरे समाज में मोर बेइज्जती करा है, ए वक्त नहीं बताओ किस पर, वो तो अंतर्यामी जान के आ रहा है, एला बिहाव चौक होए माया विराजे है। विष्णु भगवान कथे नारद चल न दे डहान घूमेल जाबो जी, ओकर मन नहीं रहा तब बोल कथे चल न महाराज हम तो सेवक तुम्हार पाँव के भजन में दिन बिताना है, बोलना प्रभु कहाँ जाना है, कोनो डहानी जान चलते उत्ती डहान चलबो की भगवान तुरते माया करिस उत्ती डहान एक ठन तरिया कोड़वा दिस, वो तरिया में नारी नहावे तो बन जावे पुरुष और पुरुष नहावे तो बन जाए नारी, ऐसे माया तरिया खनवा दिस भगवान विष्णु वी ढाल लेगी नारद ला चल नारद चली की और दोनों रेंगी नुत्ती मुंह करके जंगल में एक तरिया और फल फूल फुलवारी हर घट ठंडा यार बड़बड़िया। अरे तरिया देखत नारद पूछे ये ला कौन कोड़वाए है और बोले विष्णु धर्म तिजौरी देवता मन खनवाए हैं। नारद कथे महाराज तरिया नावा नावा लागते उद्घाटन नहीं होएगा। विष्णु जी कथे ठौका चिन्ह है तरिया नावा है उद्घाटन नहीं होए काबर नहीं होए महाराज। विष्णु भगवान कथे मुख्य अतिथि नहीं मिला जी, कथे तो कैसना मुख्य अतिथि खो जाते। विष्णु भगवान बोले ए तरिया के उद्घाटन ला बाल ब्रह्मचारी कर ही कहीं उद्घाटन नहीं होए कज्जी नारद तोर तो बिहाव नहीं होएगा। नारद कथे नहीं धोए महाराज तो चलना सल लगा आगे तो फीता काट उद्घाटन कर। नारद जी कथे नाना मालिक तोर हाथ में मुख्य अतिथि ए शोभा नहीं देवा। विष्णु जी कथे देख मोर हाथ में उद्घाटन होती इसका आपके फीता काट देते हूं, चलते बाल ब्रह्मचारी उद्घाटन कर तरिया के। नारद जी कथे का करे लागी महाराज अरे कुछ नहीं यहाँ कहाँ रंग गुलाल फीता लान में जी कैंची जी एक बार डुबकी लगा दे हो गए उद्घाटन की। फुलगे नारद भड़कौनी में बात समझ नहीं पाईस, अरे फुलगे नारद भड़कौनी में बात समझ नहीं पाईस, करताल तमुरल विष्णु थमाक तरियम डुबकी लगावीस और डुबकी लगावत नारद बन गए 16 साल के कन्या और हरियर चूरी हरियर लुगरा हरियर पहिरे टोलखा। भगवान विष्णु तरिया पार में खड़े है अंतर ध्यान हो गए, ये डहान नारद बिचारी ले नारद बिचारा हो गए, तरियम खड़े रहते नारद बिचारी बन गए हरियर लुगरा हरियर चूड़ी हरियर पोरका पहिरे सुध भुला गए। नारद 16 साल के कन्या बने पानी भीतरी खड़े रहा एती देखे अक्कायान बक्का। उही समय में घोड़ा में चढ़ के एक झन राजा आई सिरन के करस शिकार, देख के कन्या 16 साल के मोहनी रूप अपार। कोर राजा कहते हैं हर बेटी का करते महारानी वो हवस के लिए तरिया में कौन बाप महारानी। नारद बिचारी कुछ गोटियाबे ना करे, राजा कथे ऐसा में बात बिगड़ गई कन्या बड़ा सुंदर है। घोड़ा ले उतरिस राजा गीस और नारद बिचारी हाथ ल धर के जबरदस्ती अपन घोड़ा में चढ़ालीस और राजमहल में बज के बधाई अपन घर के नारी बनाना। चट मंगनी पट बिहा दूठन हार लानी बिहा हो गए। अब्बड़ लचकुरहीन बन गे नारद सोचया गुपा छूला, अड़बड़ लचकुरहीन बन गे नारद सोचया गुपा छूला। और कुछ दिन में भगवान के माया देखीस 12 ठन नोनी बाबूला। 12 ठन लोग लैका हो गए नारद बिचारी के करीब चतन लैका पिचका के नारद के जी कर लागे आके बचा ले विष्णु भगवान मोर मती सोझी आगे। बिनती कदे डहान लेठन राजा इस राजा से होई लड़ाई, राजा मर गए प्रजा मर गए सबसे होई बिहाई सब लूट गए। नारद डोकरी दाई बिचारी विधवा हो गए, खाए बर दाना नहीं है, पेरा डोरी आगू परे रहा धरी जात में फांसी और की चली संतीन तंतीन। जंगल डहान जावत रहा फांसी और की पेड़ देखत रहा कते पेड़ में चढ़ाओ। विष्णु भगवान सोझिया आगे कहीं डोकरा बन के लौठी टेकत आगे कथे कहाँ जाता डोकरी दाई तोला कहा करना हम कहीं जा हम कहीं आज कहीं जा। अरे बताबे तब कहाँ जाता फांसी और जाता काबर मर में खाए नहीं पाँच दिन लेकी चलो दाई ये गाँव भंडारा खुले तहन खा ले नहाय नहीं तो नहाओ तब मैं नहाऊ भोजन मिल जाये। अरे चलना वो मटकेश्वर वार धमतरी भंडारा खुले कस के खावे की धरी नारद डोकरी दाई ले लेगी कहाँ लेगी फिर वही पहिने तरिया माया के फिर लगी सुही तरिया में। नारद डोकरी दाई ले नहाई डोकरी दाई नहावत फिर नारद बन गए। भगवान विष्णु मुस्कुरात दरिया पार में खड़े है फिर नारद डोकरी दाई ले नारद बनीस पानी भीतरी खड़े उहल देखी विष्णु भगवान पार में खड़े ओ दौड़त भागत दांत कटरत कथे अच्छा कर मुही चल देख पाहत चिन्ह पाहत। एक वक्त नारद मुंह बेंद्रा मुंह दे के समाज में बेइज्जती कराए एक वक्त फेल मोर नारी बना न वहां के राजा के रानी बनाए एक दर्जन लोग लई कहिस कदी नहल ले राजा इस राजा प्रजा सब मर गए फांसी अरोल जात है फेराए। विष्णु भगवान मुस्कुरात कथे बिहाव का बरसों तेला में देखा हो जी शादी बरसों कृष्ण नारद तेला में देखा हो। नारद कथे मालिक एकरे से तिया बड़ दुखला पाओ हो कान पकड़ के उठे बैठे ये दे प्रभु तोर क्रिया है ये दुनिया के तोर मोह और माया के बाजार ले हरि भजन बढ़िया है हरि भजन बढ़िया। नारद जैसे संत मोह और माया ली जानी हमन का जाते पर नहीं जीवन के मानव जीवन के सबसे बड़े ही व्यक्ति के जीवन जब तक सत्संग में नहीं जाए। आज नारद जी जैसे संत नारद जीवन भर नारायण नारायण करने वाला मोह माया के चक्कर में पड़ गए। हमन कौन खेत के ढेलाया। लेकिन सबसे बड़े सार्थकता यह है जीवन में नकारात्मक कभी नहीं आना चाहिए, जीवन में सकारात्मक होना चाहिए। और ये सत्संग के आयोजन एकरे बर होते कि हमू राम के शरण में जान, राम के शरण में जान, परमात्मा के शरण में, भक्ति के शरण में जान। आओ एक भजन के आनंद लन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आन गंगा मनहले मानस 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 गंगा मनहले गंगा मनहले आनंद गंगा मनहले आनंद गंगा मनहले आनंद गंगा मनहले। जन्म जन्म के पाप सके, जन्म जन्म के, जन्म जन्म के पाप सके उजराले। आनंद गंगा मनहले आनंद गंगा मनहले आनंद गंगा मनहले आनंद गंगा मनहले। और देखो गंगा में भी कांवर नहाना है तो हमारे छत्तीसगढ़िया कभी बहुत बढ़िया चीज का ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। गंगा ले ले भैया गंगा ले ले भोला ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। लहर गंगा ले ले भैया गंगा ले ले भोला उन्हीं के मेरा मजा बंधु के लाला कर ले गंगा गंगा के मेला मजा बंधु के लाला कर ले गंगा गंगा। ले वो केला चढ़ा ले वो भेला बना ले वो भोला भगवान। ले वो केला चढ़ा ले वो भेला बना ले वो भोला भगवान। माया माया की नहीं ठिकाना, माया माया की नहीं ठिकाना। मेला ठेला निकले को मेला मेला ठेला निकले को के लिए ठिकाना। लहर गंगा ले ले भोला 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 लहर गंगा। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस रोग में एक काम लब बात काम हा बात के रोगे जेकर जीवन में कनो काम के रोग कनो लग गए, काम के रोग काम के बीमारी जेकर शरीर में लग गए समझ जा बोला बात रोग हो गए। काम बात कफलोभ हा पार ये काम हा बात के रोगे और बात के रोग ला जाना था मारी पिराही ओहनी पिराही जोड़ जोड़ मन जत्ता है तेन तेन मन पिराही। अब जोड़े है पिरा थे तो तोला कहाँ ले राम से जोड़ सकी, तोर जोड़े खराब हो गए तो राम से जीव हा शिव से कहाँ जुड़ी। एकरे से दिक्कत है ये काम निषिद्ध काम, काम की आवश्यकता है पर काम कतका आवश्यकता है समाज ला चलाए बर, देश ला चलाए बर और संस्कृति ला चलाए बर जब तक आवश्यकता है। सब्जी बनाते महतारी मन आप मन सब्जी बनाथो कसका एक पैकेट नून ला नाने तत्काल थोड़े डाल देवे भाई। जब तक सब्जी में एक ठन कड़ाही में सब्जी बनाते जब तक मात्रा चाहिए उतनी जरूरत है नमक के, ठीक वैसे समाज ला काम की आवश्यकता है लेकिन कतका आवश्यकता है जब तक आवश्यक है उसके काम की आवश्यकता है। और वो लेकिन ज्यादा होइस तो मानस रोग के तहत ये काम के बीमारी है ले डूबी, न तो शरीर चले न बात चले न गोड़ चले न दिमाग चले कुछ भी नहीं चली। दूसरा कहिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्रोध, भगवान कथे नारद ये काम के आगू क्रोध है यहू बड़ा खतरनाक है और ये क्रोध क्रोध ला थूक देती ही मने और क्रोध ला कनो राखे है तबो बिगड़ गई और थूकत है तबो बिगड़ गई। तोर भीतर में राखे है तो तोर शरीर ला जलाई और ये क्रोध बाहर निकाल दे तो दूसरा समाज ला जलाई परिवार ला जलाई। एकर से ये क्रोध दोनों नहले खतरनाक है, खुद के लिए भी खतरनाक है क्रोध और समाज के लिए भी खराब है क्रोध। लेकिन कभू कभू क्रोध घलो जरूरी है। समाज के मुखिया और परिवार और समाज है सब श्रृंखल हो गए जैसे करत परिवार में बेटा मन के करत है बहू मन के करत है पत्नी मन के करत है तते क्रोध है नहीं करो कह के चुपचाप मुंह बांध के बैठे रहती तोर घर तो बिगड़ा थे। वो जगह क्रोध करे की आवश्यकता है लेकिन कतका आवश्यकता है। ऐसे ज्यादा झन कर क्रोध तो लैका छे धरी डोरी सौ और चले गए ओढ़ान। आजकल तो छोटे छोटे बात में इसने हो जाते लेकिन क्रोध की आवश्यकता है समाज ला। क्रोध करना चाहिए पर कतका करना चाहिए, ओकर मात्रा है लिमिट है। तो ये क्रोध के कारण नारद जी तहु है ये क्रोध ल धरे तेकरे सेती श्राप दे है और संत महात्मा मन ल घलो क्रोधी कथी है। भृगु जी महाराज देवता मन के परीक्षा लेल दिन का कौन भगवान बने हैं और पहुंच गए क्षीर सागर में विष्णु भगवान कर पहुंच से संयम सुते रहा विष्णु भगवान है लक्ष्मी मैया पांव दबात रहा है ये ओकर परीक्षा देखेल के रात कतका कन गुस्सा थे ते मया कर देगी आओ भृगु जी महाराज निकारी एक लात मारी भगवान विष्णु छाती में दनाक ले एक लात परी विष्णु जी छाती ना विष्णु भगवान कहते ओ हो संत जी महाराज जी मोर छाती हथ पथरा सन कठोर है तुम्हार मन के पांव नरम नरम है कोमल कोमल है तुम्हारा जनई सो ही महाराज की इसलिए बता। ये भगवान क्रोध नहीं करे संत महात्मा मन बन ऋषि मुनि संत और संस्कृति संत महात्मा ऋषि मुनि तो हमारे विश्व के जन कल्याण के लिए मानव कल्याण के लिए होते लेकिन जब क्रोध करते ना सनक सनंदन सन कादिक जी महाराज पहुंची भगवान के दर्शन करे आगुम जाओ विजय खड़े रहा हमला अंदर जाना है जी की ताकत से मिलना भगवान से मिलना नहीं जा सकते कि नहीं देख रहे हो क्या हम दोनों यहाँ खड़े पहरेदार जय और विजय खड़े रहे पहरेदार। सनक सनंदन सनकादिक जी महाराज अंदर प्रवेश करना ये चारों संत बाल संत नहीं जानती हमन जाने नहीं दन अंदर में भगवान आराम करते थे डिस्टर्ब करने का आराम करते लगी चारों जन संत मन गुस्सा गए और जय विजय आगू खड़े रहा द्वार पालते मला ऐसे क्रोध है ये मन चारों चारों श्राप दे दिन जा हमला अंदर भगवान से मिला निदेश तीन जन्म ले घोर राक्षस हो कदी और वही तीन जन्म ले हिरनाक से हिरण्यकश्यप रावण और कुंभकर्ण ऐसा घोर राक्षस बनो कही थी कंस और शिशुपाल त क्रोध हा बड़ा खतरनाक रहते धत्तक आगी बरोबर धत्तक आगी समझ क्रोध ला कनो कंट्रोल कर ले ठीक है और क्रोध कनो कंट्रोल नहीं करे तो वो तोरो बार खतरा है परिवारों पर खतरा है, उस समाजों पर खतरा है। एकर सेती क्रोध के भी मात्रा चाहिए, उतके जरूरत है क्रोध के। जत्ता में सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आध्यात्मिक जितना भी व्यवस्था है लिमिट में चल जाए, उसके क्रोध की आवश्यकता है। अन्यथा क्रोध तो आगी लगाने वाला है, आगी बरोबर क्रोध फैल जाते। तीसरा किन गोस्वामी तुलसीदास जी, लोभ। लोभ गलो बहुत खतरनाक, लोभ हताऊ खतरनाक। एक पाए तो 21 की इच्छा, 21 पाए तो 51 की इच्छा, 51 पाए तो 101 लाख के बाद करोड़। अतेक लोभ अनंत है, एकर सेती लोभ बहुत खतरनाक हो। एक तो बहुत प्रचलित उदाहरण है ना, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लपटाए और सिर धुनाए और हाथ मले, लालच बुरी बलाए। ये लालच जो है, लोभ जो है, बहुत खतरनाक है। थोड़ा से कनो लोभ लगी मत पूछ। एक झन लड़का रोज पढ़े जाएगा स्कूल, स्कूल में पढ़े जाए ना, तो एक दिन लड़का है, एक जन अपन साथी के लड़का पेंसिल लेला नी चोरा के, पेंसिल ले चोरा के लेला नी और घर में ला के देखई अपन माल, ना ये दे पेंसिल की हफ्ता दिन ले अपन माल कह रहा है, वो पेंसिल लिए ओकर मां ओकर बाप वो में ध्यान नहीं दी और नहीं दी। तेकर से लइका आज पढ़े गई थी स्कूल ले, दूसर के बगल वाला को सहपाठी को ओकर पेंसिल ले चोरा के लेला नी, तो ओकर महतारी आग देखी होमवर्क करत रहा बेटा बढ़िया, तब तो कर महतारी कहा था आज बेटा कैसे पेंसिल नहीं कहा थे, रोज दिन कहा है। जाग देखी तो कर हाथ में रहा पेंसिल और वो पेंसिल ना देखी, माता खुश होके जाग कथे बेटा कथे कर ले रे पेंसिल ना, नहीं माँ नीले हो पा हो की दी, झूठ बोल दी। और बगल वाला अपन सहपाठी के चोराया है ना, और वो झूठ बोल दी लड़का, माँ रद्दम पाहो पेंसिल अब ले जरूरत नहीं है माँ, और पेंसिल में काम करी। दूसरा दिन बाद गीस, दूसरा दिन कापी नहीं रहा है तो बगल वाला के दूसरा कक्षा कापी मार दी। ऐसने करत करत चला थे, माँ सबासी दे थे, वाह बेटा आज कापी कहाँ पाए रे, वाह वो गेहूँ माँ दुकान में कर पड़े रही ना, सब कबाड़ खाना ते में रद्दी फेंकाई तेम देखे नवा कापी रिसुल धरे, फिर झूठ बोल दिस लड़का। ऐसे करत करत पड़ गए लड़का, और 18-20 साल हो गए। कुछ दिन बीते के बाद एक दिन थानेदार महाराज पहुंचिस, थानेदार हथकड़ी लगा के पहुंचिस और हथकड़ी लेके पहुंचिस ना, ऐसे बोले आके माँ बाप ला कथे कर माला तोर बेटा जेल में बंद है, जमानत में छुड़ा लेना किसका के। जाग देखिन माँ बाप दोनों जेल में गिन, थाना में बंद कर दे रहा है लड़का ला। जाग देखिन दोनों माँ बाप लड़का जेल में बंद रहा है। पूछी थानेदार साहब ला, महाराज कैसे तुमन बंद कर दे हो मोर बेटा ला? अरे चोरी के जुर्म में रंगे हाथ पकड़ा गया है, सेठ जी के यहाँ सोने चांदी की दुकान में सोने की चोरी कर रहा था, ताला तोड़ के आज बंद है। वही दिन माता रोई धर धर कथे सुरता आगे कि एक दिन बेटा पेंसिल लाने रही ते दिन में बने करे के हूँ, एक दिन कापी धर के आ रही ते दिन बने करे के हूँ, आज ये पेंसिल और कापी चरन्नी चोर होत आज सोना चांदी की दुकान में चोरी करी, आज जेल में बंद है। ओ दिन माँ और बाप दोनों आंसू रिकत धर धर रोत रहा है, कथे बेटा ये चोर बनाए में मोर हाथ है कि इस माँ तोला चोर बनाए में मोर हाथ है। जिन दिन पेंसिल लाए वही दिन मोला कह देना रही से ये पेंसिल का करे जेकर कर लाने हैं वही दिन पहुँचा दे। पर लोभ, ये लोभ आदमी ला खतरनाक मोड़ में ले जाते, ये लोभ आदमी ला चोर बना देते, ये लोभ आदमी ला हत्यारा बना देते। एकर सेती लोभ के पाला में नहीं पड़ना चाहिए। नारद जी तोला लोभ हो गिरी से का के वो देखे विष्णुहनी ला सुंदर ला देखे और राज ला देखे, एकर सेती तोला लोभ हो गिरी से। जीवन में कभी लोभ नहीं। और लोभ ला तुलसी देखिए संत बड़ा बढ़िया की, अरे लोभ के पीछे काबर पड़े हो, लोभ ला उल्टा करके भला करके देख, यदि भला करवे। लेकिन इंसान तो लोभ में पड़े ना, लखपति से करोड़पति बने के रखे, लेकिन तोर पास 1 रुपया है तो सेवा करके देख, भला करके देख, कोनो गरीब के भला करके देख, कोनो बेटी के भला करके देख, कोनो समाज में तब पिछड़े तबका है ओकर सेवा करके देख। एक दिन भला करवे तो जिंदगी में परमात्मा तोला लोभ के झोली से भर दी। एकर सेती तुलसीदास जी इस ग्रंथ में कही थे, ये प्रसंग में कही थे कि जीवन में सबसे बड़े खतरनाक है तो लोभ है। यदि लोभ होना है चाहिए तो भरत जी जैसे, भौरा जैसे फूल के रस न पाए करते, भरत जी के प्रेम राम के चरण में पाए बर भौरा बनते। वैसे जीवन में परमात्मा के चरण में यदि लोभ हो जाए तो जीवन आनंद हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी। भगवान राम कहे थे नारद, ये काम क्रोध और लोभ तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन एक संग में जन मद है यहू बड़ा खतरनाक। काय चीज के मत करबे, का के घमंड करबे, ये शरीर तोरे ते कर मत करबे, घमंड करबे, ये संसार के पद और प्रतिष्ठा तोरे ते कर घमंड करबे, ये संसार के धन वैभव लोग एकरते घमंड करबे। न संसार तोरे न ये संसार के जब का चीज है ते तोरे, कहीं छत तोरे। लेकिन व्यक्ति जीवन में संसार में आते तो मद में चूर हो जाते, मैं और मोर, बस मैं संसार में मैं हूँ और ये जगता है ते सब मोरे। यही मद में व्यक्ति चूर हो जाते, आदमी ही चोर होके पागल हो जाते, लेकिन पाए और यही मद के खातिर तो सब पे गड़बड़ा जाते। जंगल के राजा शेर रहते नहीं, जंगल में बिना डर रहा घूमते, जंगल के राजा शेर को डर रहेगा नहीं, डर रहा तो जंगल में शेर और शेरनी दोनों घूमत रहा है, तो शेर शेरनी पीछू पीछू घूमत रहा है, शेरनी की तो शेरनी ठिठक के उइकर खड़े हो गए, कहे राजा महाराज की तो मोर पूछी बढ़िया खड़े है नहीं की शेर, शेरनी कहते खड़े है महाराज जोरदार। फिर कहते मोर कान बने ठड़िया खड़े है ना, शेरनी कहते हाँ महाराज आपके दोनों कान खड़े हैं। इतिहास सामने की शेरनी ला कथे मोर आंखी लाल लाल दिखत है, शेरनी कथे दिखत महाराज तो आंखी जोरदार लाल लाल दिखत है की। और जंगल के राजा शेर शेरनी लगता पूछीस और वैसे शेर हर जंप लगे, एक के जंप में आगू बड़े जान हिरन रहते में चप ले जाग धर ली हिरन ला, और हिरन ला धरिस और शेरनी बना के शेर और शेरनी हिरन के शिकार करी मजा करी। तो जंगल के राजा ओला देखा रहा कोलिया, जंगल के कोलिया देखा रहा बगल में, तो दूसरा दिन अपन कोलहिन न बलई सो आके कथे करा बड़े जान पठार में बला लिस और कोलिया कहा कोलहिन ए कोलहिन मोर कान खड़े तो नहीं बता, कोलहिन कथे कहां खड़े वो तो राम घे गई, कोलिया कथे ठीक से देख। फिर कथे मोर पूछी बने अटियाद नहीं, कथे कोलनी कथे नहीं नहीं कहा अटियाद है वो तो लजम कर गए अलहमान। कोलिया कथे किसे बात करता मोराखी देखे थी आके आगुदा मोराखी लाल लाल नहीं दिखत का दिखत नहीं लाल लाल, कोलिन कथे कहा वो तो पर्राग है जम्मो अच्छा कथते हैं। कोलिया आजकल सुनी अब वो जोरदार जंप लगाओ की के ठन पेड़ के झुंड में ओला दिखत रहा है, एकरे ऊपर कुदू कहत रहा है, लेकिन ओकर बड़े जान बन भैसा रहे रहा है, बड़े जान बन भैसा दू ठन बड़े बड़े सिंह रहा है और ओधम नहीं दिख पाइस। कोलिया हटका कीस और जोरदार जंप लगेस और जैसे जंप लगेस कोलिया वो बन भैसा के बड़े बड़े सिंह रहते में जाके कूदिस तो जंप लोग पेटे छदा गए। तो ये दुनिया में पर के देखा सीखी धन मोरे ताकत मोरे बल मोरे, ऐसे की काकर घमंड करवेगा दुनिया में, कहीं के घमंड नहीं करस, अंतिम में काही छ तोरनो है, ये शरीर तोरनो है, ये परिवार कहा धत्ते तोरनो है, ये संसार कुछ भी तोरनो है, मैं और मोर तोरते माया, ये सब माया है, मैं कहा तब और मोर कहा तब, ये सब माया है और यही मन सब प्रबल मोह के धारी। काबर तै तो संसार के मोह के धार में पड़ गए हस, मोह के चक्कर में पड़ गए हस। अब मोह घलो बड़ा खतरनाक है जी, ये मोह बड़ा विचित्र मोह है, दुनिया भर मोह करवेगा, संसार भर मोह करे पड़े है, भगवान भर मोह जेकर लिए मोह करना तेकर बर नहीं करस है। तो शरीर के भीतरी में जे बैठे गोठियावा थे रेंगावा थे हैं सबला समझावा थे, एला नहीं कहा था ये मोरे, ये मोर बैठे थे परमात्मा कान सा बैठे मोर शरीर के अंदर में, तेला कैसे माया मोर निके, ये माया के घमंड कहा चले गए, यही माया के घमंड ला जेन दिन करवे नहीं माया और मोर, ये बैठे थे माया कौन हरे, ये बैठे थे मोरे तोरे, ये माया समझा समझ जाए तो अच्छा है, पर ये मैं नहीं समझे, मैं और मोर समझे तो संसार ला मैं और मोर समझे और जगत है कहीं छमय और मोर नो है। एक जन आदमी हा संध्या के लिए अपन ससुराल जात रहता है और अपन मितान ला कहे रहा है, ए मितान आज हमर ससुराल जाबो संग देबे ऐसे की तो कर मई त मितान घलो कह रहा है, ले मितान खेलत हो का होई, लेकिन एक कन ठोकिन बारी डहन जा रहे थे जी कह रहा है तो कहते ठीक है संध्या किन जाबो बुला लेबे की। अब अब्बड़ बेर होके देखत देखत आबे नहीं करी सोकर मितान हा त अपन साइकिल धरिस और झोला में एक ठन पेंट और कमीज धरिस और एक ठन लुंगी धरिस और झोला में निकल गए। और जैसे ही जावत रहे अपन ससुराल जाऊं की साइकिल में जावत रहे ओती लोकर महाप्रसाद आवत रहे और वो साइकिल ले खड़ा करिस कथे अच्छा ते मितान कालिक तोल बता रहे हैं ससुराल जाबो कही के होते हैं बिल्कुल संग नहीं दे भाई। अरे का करबे का खेत फूट के रीत बांधे पर गए दिन भर हो गया अभी लोग, अरे चल जाबो में नहीं बने भाई नहीं जान कथे ता कपड़ा लत्ता पहने नहीं आओ नहीं जाऊं। अरे मैं धरे पेंट शर्ट चलना की चल भाई ते धरे की बहुत नाना की, लेकिन दोनों चली जैसे ही ससुराल में गिन वहां बढ़िया रात भर रहीन। ओकर बाद बिहनिया अपन काका ससुर घर बैठेल की काका ससुर घर बैठेल की बने बने हवा बा रात की नहीं कथे तुम ला बने जल्दी आए करो भाई यहाँ का रात बिकाल के अथो जंगल के रद्दा का करबे ए मितान ला कह रहे हो जल्दी आवे जल्दी ससुराल जाबो कही के देरी कर दीस और देरी करी तेकर एकरे सेती देरी होके देखत देखत ये हर एकदम मिली लूंगी भला पहिरे रही से नहीं जाऊं का हाथ बीच में के हो चल मैं पेंट कुर्ता धरे हो पहले के ये पहिरे के पेंट कुर्ता मोर की दिस बोला जाके अलकराज माल बैठ के था अलकराज जी ये पेंट पहिरे ते पेंट कुर्ता मोर कही दे ऐसने लजवा देबे का या धोखा हो के निकान नहीं कहा जी नहीं कहा चल बड़ा ससुर घर हो जाबो ऐसने कहत कहत अपन काका ससुर बड़ा ससुर सब घर उसने कही दीदा आखिरी में अपन सब ले छोटे ससुर काका ससुर गीत दिया फिर भी देख भाई इसने मत कबे की ओकरो घर चाय पानी पीन कहन कहत किसे दमान बाबू संझाई इसके होगा हां समझाओगे का करबे के झन्नी आओ कहत रे मितान लगे हे ए रद्दम मिलिस ए लुंगी वाला पहिने री मैं के चलना जी जाबो कपड़ा नहीं की मैं धरे चलना की और ये पहिरे ते कपड़ा मोर नो है एकरे पेंट उठा है की दिस नहीं करके अच्छा जी वो ससुर घर पेंट कुर्ता मोर के ये ससुर घर ये पेंट कुर्ता एकरे कह दे यहां का पेंट कुर्ता ते मोह में पड़े भाई छोड़े ला की तब अब नहीं कहो जी एक के जनऊ है हमर फुफा ससुर घलो हिचे चलते चलती फिर ऊंचो बैठे चलती वहां कहा था देख दादा तो पांव पर तो भैया मत कबे की वहां बैठेल की सब बातें बात में इसने चलिन तन आखिरी में कथे का करे कैसे समझाबे राय जी का करबे के जन हाथ रहे रदम मितान मिलिस तेलहील धर के आ हो का करबे भाई सबे बात ला पूछू मामा ससुर हो कुर्ता पेंट के बात ला जा पूछू कथे यही मोह है उ का है यही मोह है मोह सकल व्याधिन कर मूला जीवन भर हम मोह में अटका बंधान एकर सेती माया मोह के चक्कर में हमन परे हन परमात्मा के सुधील भुला जथन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किहिन परिवार ला भी चलाना है घर ला भी चलाना है देश और दुनिया में घलो चलना उचलाना है लेकिन एक बात ला ध्यान रखना है मैं कौन हूं ये परमात्मा कौन है संसार में मैं परमात्मा के अंश हूं। सुंदर परिवार में आनंद खुशहाली के साथ जैन जैसन गुता काम करत रथे वैसन सुंदर काम करत रहन और नहीं तो सबले सस भगवान के नाम लेवत रहन परमात्मा के नाम लेवत रहन सबला राम राम कहत रहन हमू राम कहन सबला राम कौहान ऐसे सुंदर जिंदगी ला मानव जीवन ला जियन खुशी के साथ जियन यही संदेश के साथ आओ आखिरी भजन की प्रस्तुति फिर आप सबसे विदा लेबो। सियावर रामचंद्र की जय।